गणपति बप्पा मोरिया माहौल बन चुका है, मतलब पूरे 5 दिन यही सब चल रहा है घर में। भगवान के गाने, भजन, कीर्तन, और इसमें जो मज़ा होता ना, पूरे साल के लिए एनर्जी मिल जाती है। बट देन विसर्जन भी है, समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। मतलब हर साल का यही फीलिंग होता है। हर साल गणेश जी आते हैं, 6 दिन 5 दिन घर में रहते हैं, और फिर विसर्जन के दिन हर साल यही हाल होता है। अभी निकलना है विसर्जन के लिए, बापा को गुड बाय कहना है। बापा तो वैसे हमें छोड़ के जाते नहीं है कभी, इट्स ऑल अप टू आवर बिलीफ। त्याला बक्षीस आहे। अरे बक्षीस काय विचारा आधी, ते आम्ही ठरवणार। Welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You are watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right down here. So as you all saw, kal ka din Ganesh ji ke naam tha, lekin aaj ka din aap logo ke naam hai. Zyada ekdam aise bhavuk hoke nahi bol raha hu. But the thing is, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि वी आर गोइंग ऑन अ राइड ऑन 8th of September गणेश विसर्जन के दूसरे दिन, और उस राइड के वीडियोज़ मैं राइड से वापस आने के बाद, मतलब अक्टूबर में एडिट करूँगा और उसके बाद पोस्ट करूँगा। बट देन आई हैव चेंज माई माइंड। सो आज हम निकल रहे हैं राइड के लिए, एंड दिस सीरीज़ ऑफ आर कश्मीर राइड
इसमें कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर होने वाले हैं ये तो आपको जैसे जैसे आप ये सीरीज देखते जाएंगे वैसे ही पता चलेगा, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताने वाला। बट ज़रूर जुड़िए इस राइड के साथ, और आज से ये राइड चालू हो रही है और आज से ये वीडियोज़ चालू हो रहे हैं। ये सीरीज़ के वीडियोज़ हफ्ते में एक नहीं हफ्ते में दो आएंगे, रविवार 2 बजे जैसे हमेशा डालते हैं, और गुरुवार को सुबह 10 बजे दूसरा वीडियो आएगा। और अभी फिलहाल टाइम है पैकिंग करके निकलने का। फाइनली गाइज, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ये राइड की कॉन्सेप्ट आई थी दिमाग में, एंड 6 मंथ्स ऑफ प्लानिंग, नॉट रियली दैट टीडियस काइंड ऑफ प्लानिंग, लेकिन इस राइड को किस तरह से ज़्यादा एडवेंचरस और एक्सट्रीम बना सकते हैं ये सोचने में 6 मंथ्स इन्वेस्ट किए मैंने। Here we go. करजत में जो मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया था, रीचिंग देयर। आज पहली बार राइड पे निकलने के टाइम पे माय फैमिली इज आल्सो कमिंग टू सी मी ऑफ, ऑफ कोर्स देयर इन कार तो थोड़ा सा पीछे है, बट रेस्ट ऑल आर हियर। यार करजत सिटी में तो एकदम अनएक्सपेक्टेड सीन हो गया, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सी ऑफ करने के लिए तो पूरा करजत आ गया इधर से। दिस आज तक इस तरह से कभी राइड स्टार्ट नहीं हुई थी। गणपति विसर्जन कल हुआ है, आज राइड स्टार्ट कर रहे हैं। सच अ बिग क्राउड टू सी अस ऑफ, इट्स रियली इमोशनल मोमेंट यार, एक नंबर मोरिया। मोरिया चल गौरव, चल चल चलो टाटा। बस 5 किलोमीटर करजत से फ्लैग ऑफ करके 5 किलोमीटर पे बारिश वंस अगेन। मॉनसून राइड होने वाली है ये तो। कम से कम गुजरात तक तो लगेगी बारिश ऐसा लग रहा है। और ये अपना पहला फ्यूल स्टॉप हो चुका है। करजत में तो पेट्रोल मिला नहीं, चौक में आके अभी पेट्रोल भरा है अराउंड 10 किलोमीटर्स आगे आके, 11.80 लीटर। प्राइस था 80.16, अभी रिकमेंड किया है सर्विस सेंटर ने कि कंपलसरी पावर पेट्रोल डालो, 62078। और चलो अच्छे खासे ट्रैफिक जाम में फंस गए। ओप्स लुक एट दैट, इतना डीप था दिख भी नहीं रहा था, आगे वाला बाइक वाला गया अंदर उसमें। क्रेजी यार। सो योगेश वॉज स्टक इन ट्रैफिक, ही हैज रीच्ड। योगेश जी लेट्स गो, दैट्स हिज वाइफ, पेरेंट्स, सबको टाटा बाय बाय हो गया है। अभी महाराष्ट्र में और 2 स्टॉप्स होने वाले हैं। इसको सब्सक्राइबर मीटअप बोल सकते हैं क्या? हाँ, छोटा सब्सक्राइबर मीट। हाँ, गरीब यूट्यूबर की दुआ लगेगी। सो द प्लान फॉर टुडे इज टू रीच बड़ोदरा, यहाँ से और तकरीबन 350 या 375 किलोमीटर्स है। द टाइम इज 3:45 राइट नाउ। दमन वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि आहूरा का और राइडर्स का एक अलग ही रिश्ता है। It was proved again. चारोटी टोल पे सब लोग ग्रुप अप हुए, पूछा खाने के लिए कहाँ रुकना है,
सबके मुंह से एक ही नाम। चलो आबूरा पे रुकते हैं। गाइज लंच हो गया है, लंच बोल सकते हैं उसको, नहीं ब्रंच, ब्रंच भी नहीं था वो ब्रंच तो ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन होता है। एनीवे शाम को 5 बजे जो भी है खाना खा लिया है। अभी फोन में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गोप्रो हेलमेट पे लगा हुआ है विद ऑल द जुगाड्स, मैं दिखाता हूँ अभी जाके। तो वी आर प्लानिंग टू रीच भरूच नाउ, बड़ौदा नहीं पहुँच पाएंगे बहुत दूर है, तो भरूच तक जाके आज का स्टे होगा मोस्ट प्रोबेबली। Another 220 kilometers from here. Let's see कितना टाइम लगता है। बारिश रुक गई है, अच्छी बात है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे अब तक पिछले 10-12 किलोमीटर में 3 फ्यूल पंप्स में अंदर जाके वापस बाहर आया हूँ मैं, क्योंकि किसी के पास भी प्रीमियम पेट्रोल नहीं है। क्या कह सकते हैं इसको, अभी तीसरे पंप पे उसने बताया और 4 किलोमीटर आगे एक पंप है वहां पे मिलेगा आपको, वहां चल के देखते हैं। फुल करना है, कार चालू है ना, फाइनली 5वें पंप पे मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल गया। आज के दिन का सेकंड फिलअप, ₹10.69 रेट कितना है, 72.09, ओडोमीटर इज 62382, 28.44 किलोमीटर्स पर लीटर। नेशनल हाईवे की हालत देखो, क्या बात है, लद्दाख की प्रैक्टिस तो इधर ही होगी। हेलो फ्रेंड्स, नवसारी 10 किलोमीटर बाकी है अभी। भरूच इज अनदर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 2 घंटे अप्रॉक्स, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे आज के डेस्टिनेशन पे। बीच में देखने लायक प्लेसेस आएंगी, मेनली आपका नर्मदा का ब्रिज आएगा, देखते हैं आगे चलते हुए। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल सेक्शन। आज के दिन का आखिरी टोल प्लाजा मिलेगा नर्मदा ब्रिज के पहले, और उस टोल प्लाजा पे रुकेंगे। वैसे भी सब लोग पीछे हैं, उनके आने तक रुकना ही है, तो रुकेंगे, कैमरा 360 सेट करेंगे। We'll be right back.
नहीं पहुंच सके वहां तक पहुंचने का, लेट्स सी कहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो के लिए रहेगा। लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर ओनली, बहुत कुछ आने वाला है।